sarva mangal mangale shive sarvartha sadhike sarnai trambike gauri narayane namastute। जय माता की। मित्रों, आज मैं यहाँ पर साप्ताहिक राशि राशियों का फल आपको ज्ञात करवाऊंगा। प्रथम राशि मेष राशि के बारे में बताना चाहूंगा। प्यारे भाइयों, मेष राशि इस समय जो इस साप्ताहिक में मेष राशि है उसमें पूर्वार्ध में किए गए आपके कार्य सफल होंगे। जो भी आपने इंटरव्यू किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया हुआ है वो भी आपका पूर्ण सफल होने का योग बन रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सप्ताह के अंत में आपको अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ होने का संदेह है। लेकिन मित्रों, यदि आप कोई साक्षात्कार देने जाते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, घर से निकलने से पहले आप गुड़ खा के निकले, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। व्यक्त राशि वाले जातक कृपया ध्यान दें। व्यक्त राशि के जातक नम्र स्वभाव के होते हैं, ये दयालु किस्म के होते हैं और अपनी दया में आकर ये अपना सब कुछ जुटाने पे तैयार रहते हैं। कृपया व्यक्त राशि वाले इस साप्ताहिक राशि में ध्यान दें। ये जो साप्ताहिक राशि है इसमें आपको जो आपने पूर्वार्ध में काम किए हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कृपया ध्यान दें, इसमें आप यदि व्यापारी वर्ग के हैं इसमें भी आपको सफलता के पूर्ण योग बन रहे हैं। आप कृपया लेकिन देख के करें। इसके आपको परिवार में सराहा भी जाएगा, आपको सराहना भी मिलेगी और आपके परिवार में सप्ताह के अंत में कुछ विवाद होने की संभावना है। कृपया आप अगर बाहर जाते हैं किसी कार्य के लिए जाते हैं तो दही खाकर निकलें। जय माता दी। मिथुन राशि वाले जातक ध्यान दें, इसमें आपके जो व्यापारिक मामले हैं उनसे आप निपटाने में संतुष्ट रहेंगे और आप जो तो सरकारी कार्य हैं उसमें आप पूर्ण रूप से संलग्न रहेंगे और उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। और सप्ताह के अंत में आपको जायदाद जमीन जायदाद से आमदनी होने की पूर्ण संभावना है। कृपया यदि आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी व्यापारिक दृष्टि से जाते हैं, किसी नौकरी में साक्षात्कार के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कृपया इलायची खा के निकले। अब हम बात करेंगे कि चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक कृपया ध्यान दें, उन्हें अपने शिक्षण क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए दूर दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है इस सप्ताह और आपको अदालती मामलों में सफलता का पूर्ण योग बना हुआ है। यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपके रिश्तों के भी पूर्ण योग बने हुए हैं। कृपया यदि आप कुछ कार्य के लिए किसी व्यापार के लिए बाहर निकलते हैं तो कृपया दही खाकर निकलें। अब हम पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि वाले जातक ध्यान दें, वह अपनी वित्त स्थिति को संवारने में कामयाब रहेंगे और अपने जो पूर्व में किए गए प्रयास उनके सफल होंगे। कृपया ध्यान दें, सिंह राशि वाले जातक उच्च विचारों के होंगे परंतु इनके उत्तरार्ध में किए गए कार्य सफल होंगे और अंतोगत्वा अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। कृपया ये लोग गुड़ खाकर निकलें। जय माता की। अब हम छठी राशि कन्या राशि के लिए कहेंगे। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह में कामयाबी से परिपूर्ण होंगे, उनमें पूर्व में किए गए प्रयास सफल होंगे। ये लोग अपने मनोरंजन कर में, खेल में, चिकित्सा क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में कामयाब होंगे। कृपया सप्ताह के अंत में ये अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें और ये अगर कहीं पर साक्षात देने के लिए जाते हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कृपया इलाची खा के निकले। अब हम सातवीं राशि तुला राशि के बारे में बतलाएंगे। तुला राशि वाले जातक ध्यान दें, यह सप्ताह आपके लिए एक नया सवेरा नया उत्साह लेकर आ रहा है।
इसमें आप पूर्ण रूप से हर तरह से संपन्न होंगे, जो भी आपने पूर्वाध में कार्य किए हैं वो सभी सफल होंगे, और आपके द्वारा अपने भाइयों से, अपने सगे संबंधियों से जो विवाद चल रहा है उसमें सुलझाने में आप कामयाब होंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। कृपया सप्ताह के अंत में ध्यान दें, कोई शारीरिक कष्ट आपको उत्पन्न होने का योग बन रहा है। कृपया यदि आप कहीं निकलते हैं घर में व्यापारिक दृष्टि से तो दही खाकर अवश्य निकलें। अब हम आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में बतलाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक कृपया ध्यान दें, उनके द्वारा किए गए पूर्वाध में समस्त कार्य सफल होंगे। उनमें जो भी आपने जो भी अच्छे कार्य किए हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी आपने इंटरव्यू दिए हैं, कोई सरकारी कार्य है उसमें भी आप सफल होंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में किसी बुकुफ बीमारी के आप योग बन रहे हैं। कृपया यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, अपनी माता जी के चरण छू के और माता जी के गले कम से कम एक मिनट आपको लगना पड़ेगा, तब आप निकलें। अब हम नवी राशि धनु राशि के बारे में बताएंगे। धनु राशि वाले जातक ध्यान दें, प्रथम के सप्ताह के प्रथम दिन से ही आपको नई योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। जो धनु राशि वाले जातक व्यापार में देश में नहीं विदेश में भी अपना परचम लहराएंगे और उनका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहेगा। कृपया यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो केसर का तिलक और गुड़ खा के निकले। अब हम दसवीं राशि मकर राशि के बारे में बताएंगे। मकर राशि के जातक ध्यान दें, कृपया ये उनका समय जो है बहुत ही कठिन बीतेगा। मकर राशि वाले जातक किसी वाद विवाद में ना फंसे, किसी सरकारी कार्यों के पचड़ों में ना फंसे, अतः उनको मान हानि का पूर्ण योग है। कृपया यदि आपको बाहर निकलना है, किसी कार्य के लिए जाना है तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करके ही निकले। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि के बारे में बतलाऊंगा। कुंभ राशि के जातक कृपया ध्यान दें, कुंभ राशि के जातक अपनी प्रतिभा को निखारने का पूर्ण समय आपको मिलेगा और आपकी प्रतिभा निखारने के पूर्ण योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातक ध्यान दें, अगर वो विवाह बंधन में अभी नहीं बंधे हैं तो उनके रिश्ते आने का पूर्ण योग बन रहा है। किसी कानूनी पचड़े में ना फंसे, सप्ताह के पूर्वार्ध में कोई परेशानी आपको घेर सकती है, इसलिए यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो सुंदरकांड का पाठ और शनिदेव को तेल चढ़ाकर ही निकलें। अब हम बात करेंगे बारहवीं राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के बाद जातक कृपया ध्यान दें, मीन राशि के जातक खुश हो जाएं, आपके परिवार में सप्ताह के प्रथम दिन से ही कोई ना कोई खुशी का माहौल बनेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सफलता से आपके माता पिता भी आपको सम्मान प्रदान करेंगे। आप अपने पुत्र अपने संतान से भी प्रसन्न रहेंगे। आपके यदि आप किसी का पद पर पदोन्नति हैं तो आपको पदोन्नति के भी चांस बन रहे हैं। आप बहुत ही दीर्घायु हैं और आपके परिवार में खुशी पूर्ण रूप से व्याप्त होगी इस सप्ताह। कृपया यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो केसर का तिलक और गौ माता को गुड़ खिला के निकलें। जय माता की।